कोयला मजदूरों में हर्ष, कोयला कर्मियों के वेतन में जेबीसीसीआई 11 की 8वीं बैठक में अंततः काफी जद्दोजहद के बाद 19% वृद्धि का लाभ मिल गया। बीती मंगलवार को कोलकाता में हुई बैठक में सीआईएल प्रबंधन ने बीएमएस, एचएमएस, एटक और सीटू के प्रतिनिधियों के समक्ष इसकी मुहर लगा दी। जेबीसीसीआई के बैठक में शामिल होने के बाद धनबाद पहुंचे बीएमएस के प्रतिनिधि केपी गुप्ता का मजदूरों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। विश्वकर्मा भवन में आयोजित समारोह में मजदूर नेताओं को संबोधित करते हुए केपी गुप्ता ने उन्हें बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल एमजीबी के तहत 19% वेतन वृद्धि का लाभ मिला है, जो 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मजदूरों के सोशल सिक्योरिटी, कैरियर ग्रोथ और वेलफेयर के डिमांड पर भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। ठीक है, जेबीसीसीआई की बैठक, कई बैठकों के बाद कुछ कुछ डिसीजन हुआ है, क्या कुछ हुआ है उसमें और उसमें क्या मजदूरों में उसका क्या रेट है? ऐसा है कि जेबीसीसीआई 11 की 8वीं बैठक थी और यह 8वीं बैठक सभी ट्रेड यूनियन के जो प्रतिनिधि थे, जो 7वीं 7वीं बैठक में जिस तरह से कोल इंडिया प्रबंधन का जो हट धर्मिता थी कि हम 10% से आगे नहीं जाएंगे, 10.5% तक उन्होंने आने का काम किया था और बनिस्पत उसके कारण भारतीय मजदूर संघ का नेतृत्व माननीय के लक्ष्मा रेड्डी जी, एचएमएस का नेतृत्व, एटक का नेतृत्व और सीटू का नेतृत्व, सभी लोगों ने, तमाम हम लोगों ने उपस्थित होकर के यह निर्णय लिया था कि अभी हमें जेबीसीसीआई संपन्न कराने के लिए हमें लगता है कि अब आंदोलन में जाने की आवश्यकता है। और इसी बनिस्पत हम लोगों ने आंदोलन का एक संखनाद किया था, पूरे कुल उद्योग में विरोध दिवस किया, प्रदर्शन किया और 7 जनवरी को एक कन्वेंशन थी ऑल इंडिया लेवल पर रांची आनंद फानंद में कोल इंडिया प्रबंधन ने बैठक बुलाया। हम लोग कोयला के मजदूर हैं, कोयला के मजदूर के क्षेत्र में काम करते हैं, हम सभी लोगों ने वहां गया, बैठक प्रारंभ हुई। बैठक प्रारंभ होने पर स्पष्ट है कि के लक्ष्मा रेड्डी भारतीय मजदूर संघ के मुख्य प्रतिनिधि होने के कारण उन्होंने विषय को रखा कि भाई आप कोल इंडिया प्रबंधक क्या करना चाहते हैं। आप लोगों ने पिछले बार 10.5% आप लोगों ने बतलाया था, ये हमें नहीं लगता कि ये मंजूर है और हमारी डिमांड आपके पास में जो देना था वो विषय को मैं दे चुका हूं। अब आप 28% तक हम लोग गए थे, आपको संज्ञान में होगा, आप बतलाइए आप कहां तक दे सकते हैं। काफी उतार चढ़ाव पर चर्चा होने के बाद में कहां फाइनल हुआ? फाइनल जो है 19% पर फाइनल हुआ। काफी जद्दोजहद के बाद 19% पर हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि 20% से कम नहीं लेंगे, क्योंकि पिछले बार एनसीडब्ल्यू 10 में 20% हमें प्राप्त हुआ था और मैनेजमेंट जो है 15% से ऊपर जाना नहीं चाह रही थी, हाथ जोड़ करके पूरा खड़ा था। वो करते हुए काफी उतार चढ़ाव के बाद 19% पर समझौता इसी बैठक में और 1-2-3 बैठके और होंगे जिसमें और निर्णय हो जाएंगे। अभी फिलहाल एमजीबी पे का जो है एमजीबी, हाँ एमजीबी आपका 19% पर फाइनल हुआ है और पूरे कोल उद्योग में कोयला मजदूरों में खुशी का माहौल है, हर जगह खुशी मना रहे हैं। लेकिन अभी यह खुशी सिर्फ एमजीबी पर है, अभी हमारा पूरे भविष्य बाकी है, हमारा सोशल सिक्योरिटी बाकी है, हमारा वेलफेयर बाकी है, हमारा करियर ग्रोथ बाकी है। लग रहा है जिस तरह प्रबंधन सकारात्मक है इस पे भी पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा, पॉजिटिव करना ही पड़ेगा, और नहीं तो ऐसा नहीं है कि कोयला मजदूर इतना कमजोर है, स्थिति अगर बनेगी तो फिर डंका पिटा जाएगा और फिर तो आप लोग हैं ही।